हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई वेब सीरीज की जो कि रिलीज हुई एमएक्स प्लेयर पे, जिसका नाम है एक थी बेगम। इस वेब सीरीज में आपको तकरीबन 14 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के ऑलमोस्ट 33 मिनट से लेकर 27 मिनट के बीच में। खैर कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती 1986 बॉम्बे से, जहां पर हमें दो गैंगस्टर नजर आते हैं। एक गैंगस्टर नाना, जिसका एक छोटा भाई रघु जो कि ड्रग्स का बिजनेस करता है, और दूसरा गैंगस्टर जहीर भटकर जो कि नहीं चाहता कि बॉम्बे में कोई भी ड्रग्स का बिजनेस करे। खैर इनके ऊपर भी एक बड़ा डॉन होता है, यानी कि मकसूद जो कि दुबई में रहता है। अब मैं आपको बता दूं, मकसूद यानी कि दाऊद इब्राहिम। खैर कहानी में ट्विस्ट आता है जब जहीर भटकर के हाथ में नाना का भाई रघु की मौत हो जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ी, जिसका नाम है एक थी बेगम। अब मैं आपको बता दूं ये सीरीज की कहानी मुझे पर्सनली कैसे लगी। तो देखिए, इस तरीके की गैंगवार पर बनी फिल्में तो मैंने बहुत देखी, जैसे कि वास्तव, सत्या या तो फिर शूट आउट एट लोखंडवाला। लेकिन इस तरीके की सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है। ये कोई बड़े बजट की सीरीज तो नहीं लगती, लेकिन जिस तरीके से एक्टर ने परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से सीरीज को लिखा गया, बहुत ही शानदार। हर एक एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सीरीज की सिर्फ एक चीज जो मुझे खराब लगी, वो थे इसके 14 एपिसोड। अगर इस सीरीज के सिर्फ 10 एपिसोड होते तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन फिर भी 14 एपिसोड होने के बावजूद भी ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अभी सीजन 1 है। सीजन 2 आपको जल्द ही शायद देखने मिले, क्योंकि जहां पर सीजन 1 खत्म होता है वहां पर मैं खुद सोच रहा हूं कि एक्चुअली सीजन 2 में होएगा क्या, क्योंकि अब मैं यहाँ पर स्पॉयलर्स तो नहीं दे जाता। खैर उसके अलावा अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर 80s और 90s का दौर बताया। उस दौर में जिस तरीके की गाड़ियां होना चाहिए या जिस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए, उन लोगों ने कोशिश की कि वहां तक के मैच करे। और साथ साथ यहाँ पर बता दूं कि इस सीरीज में आपको फेक इनकाउंटर्स के बारे में बताया, किस तरीके से पुलिस वाले फेक इनकाउंटर करते, कुछ गैंगस्टर की मदद लेके, कुछ गैंगस्टर के कहने पर पैसों की वजह से। और साथ साथ ऐसा नहीं बताया कि सारे के सारे पुलिस वाले करप्ट, कुछ अच्छे पुलिस वाले होते, जैसे इस सीरीज में अच्छे पुलिस वाले भी देखने को मिले। तो अगर कुल मिला के मैं इस सीरीज के बारे में बोलूं तो यार, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, स्पेशली अनुजा साठे का, जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया अशरफ का, उसके अलावा दूसरे कैरेक्टर, उसके अलावा अंकित, जिसने यहाँ पे जहीर भटकर का रोल प्ले किया। हालांकि उसका काम कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा लगा मुझे। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। और एमएक्स प्लेयर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे नेटफ्लिक्स और अमेजोन के बाद इंडिया में अगर कोई जबरदस्त ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो वो है एमएक्स प्लेयर। तो ये आपको एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एमएक्स प्लेयर बीटा वर्जन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जहां पर आप लोग जाकर ये सीरीज को हिंदी और मराठी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूं राशि शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट में। तो दिल देन बाय।